हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कश्मीरी आलू दम, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसकी हम सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है इलायची, मैंने एक इलायची लिया है, हरी इलायची है, लौंग है 4-5 और कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं, ये 1 टीस्पून जीरा है, ये सौंफ है और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ काली मिर्च, ये 10 से 12 काली मिर्च होंगे। तो चलिए हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1 बड़े चम्मच धनिया भी ऐड किए हैं। इन सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। जब ये भुन जाएगा मसाला तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो आप समझ जाएगा कि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं। तो देखिए, जो हमारे मसाले हैं बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं, ये चटक भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम इसे उतार देंगे, गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे पीस लिया है अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन मसालों में से। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी दही लिया हुआ है, ये फ्रेश दही है और इसमें हमने अपने मसाले को ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, आप खड़े मसालों को पहले भून ले, फिर ऐसे मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ऐसे ही ट्राई करें। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, जो तीखी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाली है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके और इसे ढक के 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 700 ग्राम छोटे आलू लिए हैं। आप बड़े, अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आप वो भी यूज में ला सकते हैं। तो देखिए, हमने आलू को फोक की हेल्प से इसे प्रिक कर लेना है चारों तरफ, ताकि इसमें अंदर तक जो हमारा ग्रेवी है वो जाए। तो मैंने सारे आलू को अच्छे से प्रिक कर लिया है। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने आलू, फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसमें हम अपने आलूओं को फ्राई करेंगे, नहीं तो उसमें चिपकने लगेंगे अगर तेल ये ठंडा होगा तो। तो देखिए, जो हमारे तेल हैं बिल्कुल अच्छे से गर्म हैं और जो हमारा आलू है एक तरफ से ये अच्छे से सिक चुका है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, जो हमारे आलू हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे अब निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कश्मीरी आलू दम बना रहे हैं तो इसमें प्याज टमाटर ऐड नहीं होते। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सरसों तेल ऐड किया है, आपको जो भी तेल पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसमें मैंने पहले हींग डाला है 1/3 चम्मच और उसके बाद से मैंने फिर से कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाला है, फिर से थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी कुछ सेकेंड इसे हम भून लेंगे, उसके बाद से हम ऐड करेंगे अपने दही वाला जो पेस्ट हमने बनाया था ना, वो ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे मसालों के साथ। देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। इसमें हमें लहसुन प्याज कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और इसे भी चला के और अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड कर सकते हैं और इसे हम एक उबाल आने देंगे। देखिए, हमारे जो ग्रेवी का कलर है कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो देखिए, एक उबाल आ चुका है, तो हम इसमें अपने फ्राई किए हुए आलूओं को डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सौंठ पाउडर है तो आप हींग और जीरा के साथ सौंठ पाउडर को भी ऐड करें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे हमने ढक दिया और ढक के 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मैगी मसाले का एक पैकेट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, जो हमारे ये कश्मीरी दम आलू है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा पानी अधिक लग रहा है तो मैंने इसे फिर से ढक के पकाया है। तो देखिए, अब जाके जो हमारा ग्रेवी है वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, अब इसमें हम अपने कश्मीरी दम आलू को डाल देंगे। देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारा कश्मीरी दम आलू बन के तैयार हुआ है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, आप इसे चावल, रोटी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, बहुत ही ज़्यादा
स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।